हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ईसीयू का जो पिन आउट है उसको हम लोग कैसा कैलकुलेशन करेंगे और कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन सा ग्रिप है, इसका जो पावर और ग्राउंड जो इसमें आता है वो कौन से नंबर पिन पे आता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, ये जो हमारे पास ईसीयू है ये 2002 GS430 का ECM है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसके पिन हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इस पिन में पॉजिटिव है, इसमें ग्राउंड है, और हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं ऑल डाटा के अंदर। ये लैपटॉप है ऑल डाटा, इसके अंदर ये सर्च में हम लोग दे देते हैं इंजन ईसीएम, इंजन तो सर्च में हमने लिख दिया इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, हमने सिर्फ इंजन सी लिख लिया तो इधर आ गया इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। अभी हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो एक है कनेक्टर व्यू, एक है इलेक्ट्रिक डायग्राम, एक है पिन आउट वैल्यू एंड डायग्नोस्टिक पैरामीटर। अभी हम लोग सबसे पहले कनेक्टर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा करके, तो हमारे पास ये कनेक्टर आ जाएंगे। अभी हम इसमें कैसे मालूम करेंगे कि एक नंबर पिन कहाँ से शुरू होता है, जैसा कि ये ECM है तो एक नंबर पिन E5 ग्रिप में एक नंबर पिन, या E6 कनेक्टर में एक नंबर पिन, दो नंबर पिन, कैसे हम लोग काउंट करेंगे। तो ये ऑल डाटा में जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसका जो ये है, ये ग्रिप्स इसके ऊपर प्रेस करके ऐसे ग्रिप निकालते हैं। तो ये कंप्यूटर को भी इसी हालत में रख के यहाँ पे ग्रिप लगता है, यहाँ पे ग्रिप लगता है, यहाँ पे वो प्रेस करने वाला क्लिप को यहाँ पे फिक्स होता है। तो कंप्यूटर को यही पोजीशन में रखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं आएगा। अभी हम आपको बताएंगे, अभी इसमें टोटल 5 कनेक्टर है, E2, E3, E4 एंड E5, E6। अभी E6 के अंदर है 31 पिन है, ये देखो 31 पिन। E5 के अंदर जो है 35 पिन, E4 के अंदर जो है 32 पिन, एंड E3 का अंदर जो है 35 पिन, और इसका अंदर ये E2 जो है इसका अंदर 34 पिन है। अभी जो अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे पावर एंड ग्राउंड का, फॉर एग्जांपल यहाँ के ऊपर बैटरी वोल्टेज E6 पिन नंबर 4, E1, E3 पिन नंबर 7। इसको ये दो पिन को अगर आपस में हम लोग चेक करेंगे तो ये हमेशा ऑलवेज आएगा 9 to 14 वोल्ट। अभी E6 पिन नंबर 4
और E3 पिन नंबर 7। तो इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे, E6 पिन नंबर 4। अभी ये E6 का कनेक्टर है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर हो गया। तो ये 4 नंबर पिन हो गया। और दूसरा जो है E3 पिन नंबर 7, E3 पिन नंबर 7, ये E3 है और पिन नंबर 7 जो है, ये पिन नंबर 7 है। तो अगर हम इधर से मल्टीमीटर इसके ऊपर और इसके ऊपर पिन नंबर 4 के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो ये ऐसा इसको रेट किया जाता है। अब इशू के अंदर हम बताएंगे, ये इशू है, ये E6 है, ये E5 है कनेक्टर का नाम, और ये E4 है, और ये E3 है, और ये E2 है। तो ये E6 है, इसको पिन नंबर 1 कैसे काउंट करेंगे। ये जो पहला पिन है, ये पिन नंबर 1 है, ये सेकेंड हैंड पिन नंबर 2 है। इसको इस साइड की तरफ, इस लेफ्ट साइड की तरफ से काउंट करें, राइट तरफ की तरफ से हम लोग काउंट करेंगे। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो इसको हम लोग यही तरीके से काउंट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पिन 1 है, पिन 2, पिन 3, पिन 4, पिन 5, पिन 6, पिन 7। तो इसमें भी टोटल पिन 7 है, इसमें भी देखो। ये देखो, ये पहले लाइन में 7 पिन है। तो हम लोग इसको ऐसे इसके पावर ग्राउंड चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो ECM के अंदर IC कैसे काम करते हैं, ये कौन सा चीज किस काम के लिए, कौन सा काम इससे लिया जाता है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ कनेक्टर के बारे में बताया कि इसको पिन नंबर 1 को इधर से काउंट किया जाता है, जहाँ प्रेस करने वाला ग्रिप होता है उस साइड से ये 1, 2 और 3 ऐसा काउंट किया जाता है। तो ये एक ग्रिप के अंदर फॉर एग्जांपल 31 पिन है इसके अंदर, इसके अंदर से अलग 35 पिन है। तो आप इसको ऐसा काउंट करके इसके अंदर पावर एंड ग्राउंड चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको जल्दी मैं बताऊंगा। ये बैटरी का वोल्टेज है, ये E6 4, इसमें हमेशा भी पॉजिटिव आना चाहिए, स्टैंडर्ड वोल्टेज भी पॉजिटिव 12 वोल्ट आना चाहिए। अभी इसमें E4 कौन सा है, ये E4 है, अभी देखो, अभी 1, 2, 3, 4 बहुत आसानी से आप काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर भी पॉजिटिव आना चाहिए। अभी इसमें जो दूसरा पिन है, ये दूसरा पिन है BM
E67 नंबर पिन। अभी प्लस बीएम ये थ्रोटल का जो मेन पावर है इसमें आता है, ये थ्रोटल का मेन पावर। तो E7 इसमें भी 12 वोल्ट 9 to 14 वोल्ट आना चाहिए। अब ये E67 नंबर पिन है, E67 नंबर पिन ये E6 का ग्रिप हो गया, कनेक्टर हो गया। अभी इसमें 7 नंबर पिन, ये 7 नंबर पिन है, ये 7 नंबर पिन है, तो इसमें भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो कंप्यूटर का पावर एंड ग्राउंड हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब ये इग्निशियम स्विच है, ये जो आप स्विच जब ऑन करेंगे इसके अंदर अभी कौन सा करा इलेक्ट्रिक आना चाहिए, E6 पिन नंबर 17। अभी इसमें ये E6 कनेक्टर है, ये E6 कनेक्टर है और पिन नंबर 17, ये पिन नंबर 17 है। घड़ी का स्विच ऑन करके इसमें भी पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप सब इसका जो पावर एंड ग्राउंड है बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। ये तो इसका मेन इलेक्ट्रिक हो गया, बाद में फॉर एग्जांपल क्रैंक सेंसर हो गया, जो भी है जैसा कि अभी इंजेक्टर है, अभी ये इंजेक्टर के कनेक्टर है, पिन है। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इंजेक्टर कौन से पिन के अंदर है, ये इंजेक्टर है। अब ये इंजेक्टर नंबर 1 है, ये इंजेक्टर 2 है, ये इंजेक्टर 3 है, ये इंजेक्टर 4 है। तो ये जो नंबर 1 है ये E2 15 नंबर इंजेक्टर नंबर 1 है, E4 17 ये इंजेक्टर नंबर 2 है, ये इंजेक्टर नंबर 2 E4 17। अभी हम आपको पहले इंजेक्टर नंबर 1 का पिन दिखाते हैं, E2 15। अभी देखो ये कनेक्टर, इसमें E2, ये E2 हो गया, ये थोड़ा बड़ा करेंगे, अभी ये E2 हो गया, इसमें पिन नंबर 17। फॉर एग्जांपल ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये सब इंजेक्टरों के पिन हैं। तो आप इसे इंजेक्टर ऐसे चेक कर सकते हैं कि सिग्नल आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, वायर बीच में शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, उसका सिग्नल पल्स नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें। ये E2 है, ये ग्रिप नंबर और इंजेक्टर नंबर 1 से आप डायरेक्ट कंटिन्यूटी लेके इसके साथ कंटिन्यूटी चेक करें, ये 17 के साथ। अगर कंटिन्यूटी बराबर है, बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो वायर सही है, वायरिंग सही है, तो आप ECM को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में ECU के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।